जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह अभी जाना, वो छोटे से बात हो रही थी मेरी कि छोटा बोल रहा था कि यार हमारे जाना वो कबूतर पीछे की तरफ आ गए हैं, बैक हो गए हैं, मतलब उड़ी नहीं रहे, तो ये बाजी कैसे हमें जिताएंगे। तो उसके बारे में मैं इसे बात कर रहा था कि यार इन कबूतरों को ना इंशाल्लाह शाम ही करवाएंगे इनको। बाकी ये है कि अभी दोस्तों बड़े जाग वाले कबूतर निकाले और ये देखें ये शाम कर गए हैं जी, ये नज़र आ रहे हैं सामने, ये तीन कबूतर दोस्तों नजर आ रहे हैं, चौथा अभी बहुत ही हाइट में है, चार कबूतर दोस्तों हमारे मजीद ऊपर होंगे। देखें आखिर बांध रहे हैं, आ रहे हैं नीचे को। टाइमिंग आपके साथ जरा थोड़ी सी मैं शेयर कर दूँ कि टाइम जो है ना वो क्या हो गया जी, 4:15 हो गए हैं ये देखें जी, और माशाल्लाह से चार कबूतर हमारे अभी ऊपर हैं जी। मैं जरा दरअसल दोस्तों चला गया था बाजार, वो देखें ऊपर वाला भी नजर आ गया, वो देखें जरा जूम करके देखें वो कितनी हाइट में अभी जी। तो बहरहाल दाने शाने डाल दें जी थोड़े थोड़े, ताकि ये जो है ना नीचे आए और जल्दी से बैठ जाएँ, क्योंकि मौसम दोस्तों आगे ख़राब हो रहा है। ये देखें पहले सुबह तो आपने देखा धूप लगी हुई थी अच्छी बड़ी, बाकी दो तीन दिन हो गए दोस्तों मौसम इसी तरह से है। ठीक है, तो मेन हमने कबूतर नहीं अपने बाहर निकाले, उसके बारे में ना भाई बोल रहे थे कि यार मौसम ख़राब में जो है ना वो देख के उड़ाइएगा कबूतर, क्योंकि आगे आपको पता मौसम ख़राब है परिंदे आपके उस तरह के हैं कि वो उठी हैं तो बैठते नहीं हैं, तो इसलिए दोस्तों इनको पीछे कर दिया था, तो कोई नहीं वो तो नहीं निकाले, तो इनको जी माशाल्लाह से बिठा रहे हैं अब सुबह से शाम होने को बाकी है। बाकी आए ना दोस्तों थोड़ा सा काम इस तरह का हुआ था, मैं ना शहर गया हुआ था कल का और आज आया था, तो मैंने थोड़ा सा ना मतलब लेट कबूतर निकाले थे, क्यों समझ लिया 10 बजे का टाइम जो है ना वो हो गया था, तो 10:30 बजे इस वजह से जो है ना कबूतर आ गए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग आ गई है। वैसे भी दो तीन इनको डक्के मिल गई थी, तो इतना नहीं आज इनको रुकना चाहिए था, हालांकि इन्हें इतने ज़्यादा है भी नहीं, ये होता है ना कबूतर फंस जाए ऊपर जी ज़्यादा होने की वजह से, इतने है भी नहीं, चार कबूतर हैं बस ऊपर, तो कब का देख रहे हैं हम इनको, 3-4 घंटे हो गए इसी तरह से जो है ना वो हो रहे हैं जब पहले आपके साथ शेयर किया था। तो ठीक है दोस्तों, जिस तरह फिर बैठने करते हैं आपके साथ बाकी वीडियो शेयर करते हैं। ले दोस्तों 5:05 रह गए हैं जी, और एक मादी जी ऊपर से आई है बैठने में, ये देखिए छोटा अब नीचे चला गया। छोटे को मैंने दिखाना था कि जो सुबह का बातें कर रहा था ना कि यार कबूतर पीछे आ गए हैं लोगों के, शाम बैठ रहे हैं हम, मैं क्या हो गया हमारे नहीं उड़ रहे, तो उस ले दोस्तों वीडियो स्टॉप हो गई थी। बाकी ये मुझे पता नहीं चला था कब हो गई है जी, तो बाकी ये जी मादी माशाल्लाह से बैठी है आके, अभी पूरे 5 बजे आके बैठी है जी, गोल्डन मादी माशाल्लाह से जी, वही है दोस्तों जिसका बिल्कुल वेट ही नहीं था। पता है आपको दो मादियाँ मैंने एक मरतबा वीडियो बनाई थी आपके साथ शेयर की थी, कि मादी एक वो उस्ताद खालसा वाली थी वड्डा वाली सी, तो दूसरे वाली ये थी, तो इसका बिल्कुल वेट ही नहीं है, और माशाल्लाह से आज अच्छी टाइमिंग लगा के ये पूरे 5 बजे दोस्तों आके बैठी है जी, और 3 अभी मजीद माशाल्लाह से ऊपर है हमारे कबूतर, तो बहुत ही हाइट में है वैसे नज़र आ रहे हैं, तो यार बैठ जाएँ तो अच्छी बात है क्योंकि टाइम नहीं पीछे दोस्तों बचा। ये देखें एक ये है, एक इससे थोड़ा सा नीचे है, वो लंबाई के अंदर ज़्यादा जा रहा है, और इससे भी एक ऊपर है। ठीक है, 3 कबूतर हैं जी, तो खैर जिस तरह फिर दोस्तों ये भी बैठते हैं ना, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ले दोस्तों ले 6 बजे का जी टाइम हो गया, और माशाल्लाह से ऊपर से लक आया चाचू वाला बैठने पे 5:00, तो ये देखें ये देखें माशाल्लाह ये बैठ गया, बैठ रहा है जी माशाल्लाह। दोस्तों 6:06 बस जो है ना वो रह गए हैं, और माशाल्लाह लाखा देखें ठापे मार मार के आ रहा है जी, और जो मादी थी वो 5 बजे बैठी थी वो इधर ही थी, वो कहाँ गई है, ये वाली है, ये देखें ये वाली, ये माशाल्लाह से बैठी थी जी पूरे 5 बजे, तो माशाल्लाह कबूतर शाम कर गए हैं जी। आज छोटा सुबह बोल रहा था कि हमारे नहीं शाम कर रहे हैं, पीछे चले गए हैं सारे कबूतर, ये देखें ये देखें माशाल्लाह। बाकी बातें छोड़े, कबूतर की लैंडिंग चेक करें ज़रा माशाल्लाह से कैसे बैठ रहा है जी, ठापे लगा लगा के ये देखें, और टैडी पट्ठा जी ऊपर आ रहा है, दूर दूर जा रहा है, और एक थोड़ा सा नीचे है, वो पता नहीं कौन सा कबूतर है हमारा जी, पर उसका भी जी देख रहे हैं माशाल्लाह, कबूतर पूरा खेल खेल के बैठ रहा है जी माशाल्लाह लाखा पट्ठा जी। इसके साथ वाला एक और था दोस्तों, वो वायरस का शिकार हो गया जी, वो भी बड़ी काम की चीज़ थी। बाकी ये माशाल्लाह से बैठा है जी आके, 6:05 दोस्तों रह गए जब माशाल्लाह से ये आके लैंड किया जी, और ये पटाखों ने जो है ना वो काम खराब किया हुआ है दोस्तों, आपको पता है शब्बे बरात आ रही है, और इसके लिए ना बच्चे जो ना पटाखे पटूखे फोड़ रहे हैं। तो दोस्तों एक अभी ऊपर नज़र आ रहा है जो कि थोड़ा सा नीचे है, और एक बहुत ही गहराई के अंदर है, और दोनों लंबा लंबा जा रहे हैं, तो उनका जो है ना बहुत काम ख़राब होने को नज़र आ रहा है मुझे। बहरहाल देखते हैं जी जो कुछ भी हुआ इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं, बाकी ये भी नीचे उतार के आपको दिखाता हूँ। ले दोस्तों ये देखें ये टैडी पट्ठा जी सामने आ गया माशाल्लाह से, ये देखें दूर दूर जा रहा है बहुत ज़्यादा जी। बाकी मैंने सोचा चलो यार सब भाइयों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं क्लिप वीडियो का,
कुछ होते हैं ना दोस्त देखने वाले, वो देखें दूसरे वाला वो है जी, शायद आपको थोड़ा थोड़ा दोस्त नज़र आ रहा हो कैमरे में, वो देखें नज़र आ रहा है जी, वो देखें बहुत ही हाइट में दोस्त दोनों जी। तो बहरहाल देख रहा हूँ जी, ये देखें एक तो ये काफ़ी नीचे आ रहा है ना, ये देखें टैडी पट्ठा माशाल्लाह से, क्योंकि अब कबूतर बैठने पे आ रहे हैं, कबूतर इस तरह से ऊपर रुक जाते हैं एक दूसरे को देख के, तो जिस तरह फिर दोस्तों ये भी बैठते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। नहीं दोस्तों वो तो टैडी पट्ठा जो है वो तो बहुत दूर दूर जा रहा है, दूसरे साथ वाले की समझ नहीं आ रही वो कौन सा है जी, क्योंकि कबूतर काफ़ी सुबह छोड़े थे दोस्तों, और मुझे अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही दूसरे वाला कौन सा है। बाकी दोस्तों ये माशाल्लाह से वो गलवा है जी, जो कि अभी आगे बैठा है, आपने देखा 6:05 रहते थे जब ये माशाल्लाह से लैंड की है, और ठप्पे छप्पे मार के जी बैठा है, पूरी मस्ती में आगे बैठा है। और ये मैडम है वो वाली जो बिल्कुल वेट नहीं था, जिनका वेट ही ना होता उनको मैं नाम उनका दोस्तों डाल देता नसीबो, तो ये भी आज से हमारी नसीबो ही होगी जी, ये गोल्डन पट्टी है और माशाल्लाह से बड़ी जो कमाल की चीज़ है ये वाली भी, तो इंशाल्लाह आगे ये मज़ा देगी। टैडी जो हमारा बहुत दूर दूर जा रहा है, तो वो खैर दोस्तों जिस तरह से वो भी आता वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। लें दोस्तों टाइम जी काफ़ी हो गया आपको, जिस तरह से रात का अंधेरा नज़र आ रहा होगा, तो कबूतरों ने जी इसी रूटीन फड़ी हुई थी, मतलब तो दोस्तों कबूतरों ने जी उसी तरह की रूटीन पकड़ी हुई थी जिस तरह पहले मतलब जाता था ना वो टैडी पट्ठा हमारा उधर है, एक वो हमने बैक किया हुआ पीछे, ये हमारा बब्बर शेर जो है वो नहीं था ऊपर, ये कोई और है टैडी पट्ठा, ये मास्टर साहब वाला टैडी पट्ठा है जिनमें वो 5-6 कबूतर मेरे घर में देख गए थे, वो उनमें से ये पट्ठा था एक, ठीक है, जिनमें ये गोल्डन मादी भी थी ये वाले जो ये बैठी है माशाल्लाह से ये वाली, तो ठीक है उन्हीं में थे, तो वो जी ऊपर रह गए और ये मैडम बैठ गई थी एक, वो लाखा बैठ गया था, ये देखें ये भी जुम्मा मार के बैठा हुआ है अभी, ये नज़र आ रहा है जी ये वाला, इसको अंदर कर दिया, खैर पानी शानी अभी इसको पिलाया, दाना शाना अभी नहीं इसको खिलाएंगे, अभी इसको जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स होने देंगे। बाकी दोस्तों मैं कबूतरों को तो वैसे हल्की हल्की फड़की करा रहा हूँ, मतलब उड़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ये देखो ये ऊपर नीचे, ठीक है, तो वैसे तो मतलब कर रहे हैं ये सारा कुछ, तो खैर देख रहे हैं जी अल्लाह के रंग, दो फिर आज जी रात रह गए हमारे, तो इसी तरह जी काम अभी अपनी तरफ से मैंने जो है ना वो नॉर्मल कबूतर छोड़े हुए हैं इस साइड से, क्योंकि मौसम का आपको पता है जिस तरह का है, कबूतर ऊपर रुक जाते हैं। अच्छा एक और आपको बात बताऊं दोस्तों, कबूतर आज क्यों रुके रह गए हैं, ये जिनके साथ मेरी बाजी लगी है उनकी भी छत एक घर की इधर पास ही है, तो उन्होंने भी अपने कबूतर, उनके 4 ऊपर हैं आज, ठीक है उनके 4 ऊपर हैं। हमारा इधर गाँव में अगर आप देखें मुकाबला बहुत सख्त होता है दोस्तों, ये मतलब ये अमीना बात समझे, ये शहरों वाला मुकाबला नहीं है, शहरों में होता है ना जिस तरह से मतलब 10-12 बजे छतें बुक हो जाती है, ज़्यादातर मैंने यही देखा है शहरों के अंदर, ठीक है। बाकी ये है कि जो गाँव के अंदर होता है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा आनाबाजी होती है, इसमें कबूतर अच्छे से अच्छा जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं बंदे। बहरहाल ये है जी जो कुछ भी होता है इंशाल्लाह उसे शेयर करूँगा मैं, क्योंकि अभी तो हाल की घड़ी हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही ऊपर आसमान से, क्योंकि अंधेरे ही काफ़ी दोस्तों हो गया, ये देखें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। बाकी हमने ये कबूतर जी ऊपर बिठाए हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से हमारे कबूतर ऊपर सारे बैठे हुए हैं, तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे इंशाल्लाह इनको इसी तरह से रहने देंगे ऊपर ही, अगर किस्मत में हुआ तो आ जाएंगे, अगर ना हुआ तो सुबह से ही फिर जी फिर क्या कह सकते हैं। अब दिल पे लेने वाली वो बात जो है ना वो ख़त्म कर दिया हमने, जो पहले लेते थे ना दिल में मतलब लो जी हमारा रह रह गया अब क्या बनेगा, वो सारा कुछ भूल गया हम, क्योंकि थोड़ा सा ना खुद को मतलब पाँव पर खड़ा करने की है कि यार इस तरह मतलब ज़्यादा करेंगे तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता। बाकी ये है कि चलो दिल को तो मतलब होता है ना जिस तरह से, वो हमारा इतनी काम की चीज़ थी जो बच्चा हमारा रह गया उस वजह से फिर जो है ना काम समझे खराब ही हो गया, जो मैंने आपको बोला था गार्ड गिफ्ट हमें मिला हुआ है तो वो भी इस तरह से रात रह गए थे दोस्तों, तो वो जब से गया ना तब से जो है ना वो मतलब फिर नहीं इतना दिल को लिया। तो बहरहाल ये परिंदे आपके सामने अभी माशाल्लाह से हमारे पास जो इस साइड वाले हैं उनका आपने देख लिया रिजल्ट जो भी है, और जो उस साइड वाले हैं ठीक है तो उनको तो अभी नहीं निकालना, वो मेरी सोच ऊपर है भाई उनको नहीं अभी निकालना, ठीक है दोस्तों। फिर जो अगर आ गए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई भी अगर आ गया दोनों में से, अगर ना आया तो सुबह फिर इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, ठीक है।